केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट में जो बोला गया वो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो नहीं बोला गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसान और नौजवान देश की धरोहर हैं, जिसके लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। बेरोजगारी और महंगाई देश में सबसे बड़ी समस्या है। कोरोना काल के बाद मध्यम वर्ग के लिए खास प्रावधान होने चाहिए थे। पायलट ने कहा कि 7 साल का कोई हिसाब नहीं है और 25 साल की बात कर रही है। नोटबंदी के बाद काला धन कहां खत्म हुआ? नोटबंदी से पहले 17 लाख करोड़ की करेंसी जो बढ़कर अब 29 लाख करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ डाउन नजर आ रहा है। रीट मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसकी जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। आरोपी कितना भी बड़ा प्रभावशाली और कितने भी बड़े पद पर हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सात साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और आज के बजट में जो बोला वो शायद महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो नहीं बोला गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब, युवाओं और बेरोजगारों के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री महोदय ने बोला नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस सरकार ने 5 वर्षीय योजना की पॉलिसी को समाप्त कर दिया, आज वो 25 साल की रूपरेखा हमारे सामने विवरण कर रहे हैं और अपने पिछले 7 साल के कार्यकाल का कोई लेखा जोखा, कोई उपलब्धि, कोई वाइट पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया। 700 किसानों ने अपनी जान से हाथ खो दिए। ये 3 जो काले कृषि कानून बनाए थे उसको जबरदस्ती लागू करने का 1 साल सरकार ने समय खराब किया, किसानों पर आरोप लगाए, अत्याचार किया गया। और अब जब MSP पर कानून बनाने की बात तो कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ जब सरकार ने पिछले साल MSP के लिए 2.42 लाख करोड़ का बजट रखा था, इस बार घटा के वो 2.37 लाख करोड़ कर दिया है। मतलब पिछली बार से कम प्रावधान रखा बजट में।